वैसे मैं पास्ता एक्सपर्ट हूँ, आई मेक द बेस्ट पास्ता इन द वर्ल्ड। तुमने कभी ऐसे खाया नहीं होगा और ना ही ऐसे कभी बना सकोगी। अच्छा चलें खा के देखती हूँ। आयमा। जी पप्पू। आयमा तुम्हारी उस्मान से कोई बात हुई? नहीं अभी तक आया नहीं, आ जाना चाहिए अब तक। तो घर से तो काफी गुस्से में निकले थे, क्या आपकी कोई बात हुई है क्या? हाँ किसी भी बात से रोक टोक दो तो बुरा लगता है बहुत उसे, इसी का गुस्सा था। तो क्या जरूरत थी आपको उन्हें कुछ कहने की जब आप जानती हैं कि वो कुछ सुनना और समझना ही नहीं चाहते? अच्छा तो तुम्हारे साथ जो जानवरों की तरह का सुलूक करता है वो करने दो उसे, हरगिज नहीं, ये तो नहीं हो सकता। वो मेरा नसीब है। बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे ये मनमानी नहीं करने दूंगी, उसे तुम्हारा हक देना चाहिए। तो कोई फायदा नहीं है इन सब बातों का। जब बात हक पे होती है तो फायदा नुकसान नहीं देखा जाता। तुम्हें मैं बहू बनाकर लेकर आई हूँ, इतने शौक से लेकर आई हूँ, तुम्हारी खुशी और इज्जत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। और फिर मैं महमूद अली को क्या मुंह दिखाऊंगी, उसके सामने शर्मिंदा हो जाऊं, ये नहीं हो सकता। उसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगी। फोन करो उसे, देखो अगर आता है तो ठीक है, वरना आराम से सो जाओ, कोई जरूरत नहीं है उसकी खातिर अपनी नींद खराब करने की, खुद ही आके सो जाएगा। हमदान ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे बता देते मैं बना देती। भूख लगी थी तो सोचा अपने हाथ से कुछ बना लूं। मैंने कहा तुम्हें क्या डिस्टर्ब करना, वैसे मैं पास्ता एक्सपर्ट हूँ, आई मेक द बेस्ट पास्ता इन द वर्ल्ड। तुमने कभी ऐसे खाया नहीं होगा और ना ही ऐसे कभी बना सकोगी। अच्छा चलें खा के देखती हूँ। जरूर हाँ, बस आई थिंक 7 से 8 मिनट और। Nice. कोई हेल्प चाहिए आप? बिल्कुल चाहिए, ब्लैक पेपर नहीं मिल रहा मुझे, पता नहीं कहाँ रखा है। सामने ही रखा है मैंने। हाँ। ओ। ये हटाएंगे मैं डाल देती हूँ, कितना बताएं? बस थोड़ा सा ज्यादा नहीं है। बस ज्यादा नहीं है। क्या हो गया? कुछ नहीं ठीक है, ज्यादा जोर से नहीं लगा है। नहीं आई थिंक ये जल गया, इस पे कुछ लगा लेते हैं। एक मिनट। नहीं नहीं मैं देख लूं कि ज्यादा नहीं जला है। एक मिनट। क्या बेशर्मों की तरह सोई हुई हो, दीवारें फलांग के आया हूं मैं घर के अंदर। हाथ लग गई थी। तो तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि जब तक शौहर घर के अंदर ना आए तब तक नहीं सोते? शरीफ मर्द रात के देर तक घर से बाहर भी नहीं निकलते।
नंबर दिन को निकले या रात को, उससे कोई सवाल नहीं करता आयमा बीबी। मर्द की इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आता है और ना ही वो किसी को ये सवाल करने का हक देता है। एक सवाल का जवाब तुम मुझे दे दो, तुम्हारी बहन कराची क्या करने गई थी? मैं खाना गर्म करती हूँ। नेक्स्ट, रोक नहीं मुझे। अरे आपको कैसे पता मुझे कॉफी चाहिए थी? मैं अभी भी कॉफी नहीं, आपके लिए दूध और बादाम लाया हूँ। दूध और बादाम? क्यों, मैं तो नहीं पीती। मैंने कहा इसे, आप जाओ। वो एक्चुअली जब तक तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं तो मैंने सोचा कि दूध और बादाम तुम्हारे लिए अच्छे रहेंगे। मेमोरी शार्प करते हैं ना, तुम्हारे लिए फायदेमंद। अगर नहीं करोगी तो रमजान ही मुझे सब कुछ बता देगा। मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो रोज दूध और बादाम खाऊंगी। यार तुमने सुना नहीं बड़ों से, दूध और बादाम ब्रेन को शार्प करते हैं और ये जो कॉफी कैफीन वगैरह होती है तो बिल्कुल डिहाइड्रेट कर देती हैं। सो यू विल नॉट यूज कैफीन, ओनली दूध बादाम। अच्छा ठीक है, हंस लो जितना मर्जी हंस लो, मैं ऐसा ही हूँ, ओल्ड स्कूल। वैसे भी मेरी दादी का नुस्खा, जब मेरे एग्जाम्स होते थे तो वो हमेशा दूध बादाम देती थी और ऑनेस्टली रिजल्ट भी अच्छा आता था। थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। दोस्तों मेरी, मैं ख्याल नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? अच्छी अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे से एग्जाम्स दो, उसके बाद ट्रीट देना, ओके? नहीं, जब मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे तो ट्रीट भी आप ही मुझे देंगे। ट्रीट भी मैं दूंगा, ओके फाइन, ट्रीट भी दूंगा और अच्छा सा गिफ्ट भी, लेकिन दूध बादाम रेगुलर इस्तेमाल करना है और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है, ओके? डन, थैंक यू। मुलाकात भी हो जाती। हाँ कोई मसला तो नहीं है ना रजा? नहीं मॉम, कोई मसला नहीं है, जो काम करना है वो कर ले, आप दोनों ड्रेसेस चूज करो। हाँ आगे जाके देख लेते हैं, आ जाओ चलिए। ये कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा है ना, लवली कलर। गुड़िया बेटा ये वाला ट्राई करो, कितना अच्छा कलर है, इट्स लाइक एन ऑलिव ग्रीन है ना। नाइस, यस ओके। दूसरा दिखाइएगा। ठीक है सर, क्या हुआ? मुझे दो मिनट देना, मैं फोन सुन के आता हूँ। किसका फोन है? ऑफिस से फोन है, जरूरी बात करनी है, बस दो मिनट में। ओके ओके, ये देखो इसका दुपट्टा कितना अच्छा है, देखो।
काम होगा उस दिन, ये देखो शॉपिंग करो, ये वाला ट्राई करते देख, आई लाइक द दुपट्टा वेरी मच, है ना? हाँ, दिस इज वेरी प्रिटी। हेलो वैना, हाँ तुम्हारा फोन आ रहा था, सब खैरियत तो है? मैं इधर ही हूँ। हाँ, आई थिंक ये अच्छा लग रहा है। तुम वहीं पे रुको, मैं आ रहा हूँ। अरे तुम मेरी फिक्र छोड़ो, मैं बस आधे घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ, वहीं पे रुकना। ओके। हमदान, आप कहाँ रह गए थे? सब लोग आपका वेट कर रहे हैं कब से। गुड़िया, आई एम रियली सॉरी, मुझे ऑफिस जाना होगा, जरूरी काम है। प्लीज तुम आंटी और रजा की हेल्प ले लो ना, प्लीज। ये क्या बात हुई, आपने इतनी मुश्किल से तो वक्त निकाला था, फिर से ऑफिस। एक्चुअली अंकल की कॉल आई थी, कहने लगे एक डेलीगेशन आया हुआ, उनसे मिलना जरूरी है, सो प्लीज आई हैव टू गो। ये क्या बात हुई हमदान, ये हमारा टाइम था, मैं डैड से खुद बात करती हूँ। नहीं नहीं, एक सेकंड, अब गुड़िया प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। नहीं, तुम्हें डैड से बात करने की क्या जरूरत है? रजा, आंटी प्लीज देख लीजिए जरा, रजा। अब अरे अर्जेंट काम होगा, जाने दो, हम तुम्हारे साथ हैं ना बेटा। अगर हमदान ने प्रॉमिस किया था। मॉम ठीक कह रही है, हमदान की मजबूरी होगी कोई, और तुम कुछ भी चूज कर लो, आई एम श्योर ही लाइक व्हाट यू चूज। लेकिन रजा, अभी हमें रिंग्स लेनी है और मैं रिंग हमदान की पसंद से लेना चाहती हूँ। हाँ, हमने इसके बाद रिंग्स लेनी है, तुम चूज कर लेना जो भी तुम्हें पसंद आए, मैं शाम को जाकर हमदान को दिखा दूंगा। सही है, थैंक यू रजा, थैंक यू। ओके।